दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये है OnePlus 11R स्मार्टफोन। आज हम लगाएंगे इस फ़ोन के ऊपर UV टेम्पर ग्लास। फ़ोन आप देख सकते हो काफ़ी मस्त प्यारा फ़ोन है और इस फ़ोन में आती कर्व डिस्प्ले, तो इसलिए इस फ़ोन पर UV ग्लास ही लगाना पड़ता है। एक फुल ग्लू ग्लास आता है, वो मैं कभी बाद में उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो हमारे पास एक ये ग्लास है, यहाँ पर आप देख सकते हो फोन OnePlus 11R, और फिंगरप्रिंट लगा कर भी हम बाद में चेक करेंगे क्या फिंगरप्रिंट काम करता है, और ये जो इसके साथ बॉक्स में कवर आता है इसके साथ भी हम लगा कर चेक करेंगे क्या दोनों चीज़ कंपैटिबल हैं। तो कुछ ये अंदर हमें सामान मिलता है, इसमें शायद कुछ इंस्टॉलेशन किट है, और इसके अंदर ग्लू है, यूवी ग्लू है, और ये लाइट है, यूवी लाइट जिसको बोलते हैं, और ये है हमारा ग्लास। तो चलिए फटाफट इसको लगाने का हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमें ये सारा सामान मिलता है, इसके अलावा तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम वेट वाइप का यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से जो भी स्क्रीन के ऊपर डस्ट है बिल्कुल क्लीन कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर कंपनी लगा कर देती है वो मैंने पहले इसके ऊपर से उतार लिया है, तो ये डस्ट बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इस क्लोथ की हेल्प से जो भी लिक्विड स्क्रीन के ऊपर है उसको हम बिल्कुल सुखा लेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल डिस्प्ले अब सूख चुकी है। तो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल हैं उसको हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो हमारे पास ये बच गए हैं, तो हमने इनका भी यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ये ऐसे चिपका देना है ताकि होल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लू है वो ना जाए। इसको भी हम उतार लेते हैं और ये लगा लेते हैं हम यहाँ पर जो ऊपर वाला फ्रंट में स्पीकर है। तो ये चिपक चुकी है। तो ये है हमारा ग्लास, इसको ऐसे पकड़कर हमने खींच देना है और जो हमारे पास ग्लू है इसको हमने ऐसे निकाल लेना है। और ये मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूरी ग्लू को आपने नहीं डालना होता है। और अभी मैंने गलती कर दी है, इसको इसके नीचे हमें कुछ रखना पड़ेगा। अभी चलिए एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं और ये देखिए तुरंत इसको हम लगा लेते हैं। मुझे इसके नीचे इस साइड कुछ रखना चाहिए था क्योंकि इस साइड है कैमरा, वो काफी बाहर की तरफ है। यहाँ से तो ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, इधर थोड़ी सी ये अभी और यहाँ तक चली जाएगी। जब आपको ये बबल्स खत्म होते हुए दिखेंगे उसके बाद आपने यूवी लाइट इसके ऊपर लगानी होती है। ये देखिए धीरे धीरे ये जो एयर है वो खत्म हो रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें कहीं पर कोई भी बबल नहीं है। और अलाइनेबल इसको दोबारा से अपने ग्लास को कर लेना है, कहीं से आगे पीछे ना हो, मतलब अलाइनमेंट चेक करनी है, मतलब कहीं से दूसरी तरफ कोई गैप नहीं हो। मैं इसको एक बार अलाइन कर लेता हूँ, ये देखिए अभी अलाइन हो चुका है। अब डाटा केबल में आपने इस यूवी लाइट को लगानी है, यहाँ पर यूएसबी इसमें पोर्ट दिया हुआ होता है, ये देखिए। और अब इसको आपने इसके ऊपर ऐसे घुमाना है ताकि इसकी जो ग्लू है वो अच्छे से सेट हो जाए।
तो अभी ये ग्लू बिल्कुल सेट हो चुकी है और इसको मैं हटा देता हूँ। और अब हम अपना फिंगरप्रिंट एक बार चेक करते हैं क्या लग रहा है। तो देखिए सिंगल वन टाइम में ही फिंगरप्रिंट काम कर रहा है देखिए, और जो थोड़ी बहुत साइड में ग्लू रह गई है उसको हमने क्लीन कर लेना है। और इनको हम उतार लेते हैं। हम कवर लगाकर इसकी फिटिंग एक बार चेक करते हैं क्या कवर लगाने बाद ये उखड़ रहा है। तो आप देख सकते हो कवर लगाने बाद कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल ये फिट है। और इसको एक बार थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। ये देखिए तो ग्लास काफ़ी मस्त है और फिंगरप्रिंट का जो मुझे इशू था वो बिल्कुल भी नहीं, फिंगरप्रिंट काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं ये देखिए। और इस ग्लास की प्राइस की बात करूँ तो 450 रुपये इस ग्लास का प्राइस है। और जहाँ से मैंने इसको बाय किया वहाँ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेसक खरीद लेना। और कमेंट में बाय लिंक मत मांगा करो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।